तो ष प्रत्ययस्य जो सूत्र है, यहाँ से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति चल रही है, प्रत्यय के आदि षकार की इत्संज्ञा होती है, फिर उसका लोप हो जाता है। तो जैसे शिल्पिन शुन होता है, शुन के ष की इत्संज्ञा होगी और उसका लोप हो जाएगा, ऊ को अक हो जाएगा, है योरना को। तो खन का, रज का और नर्त का है, इसमें परिगणन किया हुआ है ना, शिल्पनी शून में खानी रंजी और नृति खानी रंजीभ्य उपसंख्यानम कर्तव्यम। शिल्पनी सुन जो सुन प्रत्यय होता है वो नृत धातु से, रंजी धातु से और खन धातु से, तीन धातुओं से ही होता है। शिल्पी कर्ता हो ना, शिल्पी कर्ता, शिल्पनी, शिल्पी कर्ता होने पर शिल्पनी कर्ता का विशेषण है, कर्तृकृत होता है, उस कर्त्री का विशेषण है ये शिल्पी कर्ता। कैसे शिल्पी तो होता है कला है ना, नृत्य कला होती है, और रज का भी एक शिल्पी है, कपड़े रंगने वाला होता है ना, कपड़ा सब थोड़ी रंग सकते हैं, उसकी भी एक विशेष वो कारीगरी होती है, परिगणन किया हुआ है। नृति खनि परिगणनम कर्तव्यम। परिगणनम कर्तव्यम, ठीक है। तो यहां पर जो है हम ये शिल्पनी सुन, सुन का उदाहरण दिया मैंने, स प्रत्यय से आदि ऋण टुडवा, स प्रत्यय चुटु, आदि ऋण टुडवा इसके बाद है ना स प्रत्यय से, तो प्रत्यय के आदि, ऊपर से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय के आदि शकार की संज्ञा हो जाती है, प्रत्यय से आदे है सकार से इत संज्ञा भवती, प्रत्यय से आदे है सकार से इत संज्ञा भवती। चुटु आदि और प्रत्यय से दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय से आदि भूतो चवर्ग टवर्गो इत्संजको भवता, जैसे यूं कहें प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग इत्संजक होते हैं, प्रत्यय से आदि भूतो चवर्ग टवर्गो, आदि भूत जो चवर्ग टवर्ग हैं उसकी इत्संजा होती है। चवर्ग का उदाहरण हो जाएगा जैसे कुंजादिभ्यस, चफई प्रत्यय होता है कुंज शब्द से, तो च की संज्ञा ये की अलंत्यम फ को आयन, और इससे आदि अच को वृद्धि, तद्धिते स्वचामादे यस्येति च से लोप, कौंजायन व्रातत स्वयं स्त्रियां, चफन से चफयन से ये प्रत्यय हो जाता है, व्रात व्रातवाचियों से और चफय चफय पड़ा है उससे यह प्रत्यय हो जाता है। नहीं चिता तो नहीं है, विशेषणार्थ है वहां पर कि इसी का ग्रहण हो व्रात फें और अस्त्रियाम सूत्र में, जैसे यहां पर चय नहीं लगाते तो फें होता ना, फिर वहां भी फें, वहां भी फें ग्रहण करते, कहां पर पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में, वहां भी फें पढ़ते और वहां फें पढ़ने से अस्वादिभ्य फें वो भी ग्रहण होने लगता जो कि नहीं चाहते, तो विशेषणार्थ हो गया, चकार जो है चकार अनुबंध लगाने से एक विशेष बन गया ये कि इसी का ग्रहण है वहां पर, ठीक है। तो यहां चुटु च छ ये च छ जे ये होता है ना, तो प्रत्यय के आदि इत संज्ञा, यकारादि प्रत्यय भय संज्ञा यस्येति च लोप, तो कौन सा अन्य बन गया ये, यकार से तो प्रत्यय जना मत ना, यकार यकार से सदिता कर दे।
यकारस्य नित्यादिर नित्यम, इत नित हो ना, नित्यादिर नित्यम आदि उदात्त हो जाता है, तो इसका ये उदात्त हो गया, ये स्वर लगेगा। नित्यादिर नित्यम ये कहता है इत नित हो तो आदि को उदात्त हो जाता है, आदि को उदात्त हो गया और ये पूरा पद अनुदात्त हो जाता है। जिसको उदात्त करते हैं ना, एक उदात्त या एक स्वरित को मूलतः ढूंढते हैं, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, उस एक को छोड़कर पूरा पद अनुदात्त हो जाता है। तो पूरा पद ये इस तरह से अनुदात्त हो गया है, उदात्ताद अनुदात्त स्वरिता, तो इसको स्वरित हो गया और इसको स्वरित होकर के स्वरितात् संहितायाम अनुदात्ता नाम एक श्रुति हो जाता है। इस तरह से ये स्वर लगाते हैं। और हमारा च छ ज जकार का जस है, जैसे प्रत्यय के आदि में ये आता है ना, ब्राह्मणा ब्राह्मण ब्राह्मणौ ब्राह्मणा, जस में जो जकार है वो किसके लिए है, विशेषणार्थ हो गया ना ये जस में, इसी का ग्रहण। यदि इस जय को हटा दें तो अस बन जाएगा ये, और अस बनने से ये दूसरा भी कोई लेने लगेंगे। शस का अस बचेगा, तो ये दिया है वहां पर एक पंक्ति लिखी है सोजस मोट सूत्र पर, कि जो अनुबंध हैं यथा योगम, जैसा जहाँ संबंध बैठे विचार कर लो, उच्चारणार्थ हैं कुछ तो कुछ विशेषणार्थ। हाँ वही मैंने बताया कि औट में जो टकार है सुओजस अमोट प्रत्याहार के लिए है, पकार जैसे सुप प्रत्याहार बनाने के लिए है, जैसे आखिरी का पै है ना वो कुछ उच्चारण के लिए हैं, कुछ विशेषणार्थ हैं, जैसे ग है तो गीत कार्य के लिए हैं वो, गसी गस गी, जो गसी गस गी है ना, तो वहाँ पर घेर गीति आदि कार्य करने के लिए हैं, सु का ऊ उच्चारणार्थ है, और सु जस, जस का जकार विशेषणार्थ है, शश का सकार, देखो जस और शस अलग चाहते हैं ना, जस अलग है सर्वनाम स्थान में आ जाता है और शस जो होता है वो सर्वनाम स्थान में नहीं आता है, और कहीं 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 तस्मात् छसो ना पुंसी, वहाँ पर जस को नहीं होता है, शस को ही होता है, शशो न शस को ही होता है। तो शस के कार्य कई सारे, एक दो भी मिल गया तो हो गया ना काम हमारा, तो कहीं शस को ही कार्य कहे हैं, कहीं जस को कार्य कहे, कहीं दोनों को कहे हैं, जैसे दीर्घात जसीच है, अब वहाँ पर जस को ही कार्य किया है, शस को नहीं कहा है, तो सारे जस शस को समान कार्य हैं ऐसा नहीं है, कुछ जस को अलग कार्य हैं, शस को अलग कार्य हैं, कुछ हो सकते हैं समान रूप से, जस शसो शी, जैसे जस शस को शी आदेश है वो समान कार्य है। तो च छ ज झ ये का उदाहरण दे दिया, च का दे दिया और ज का दे दिया ना, च का उदाहरण क्या है, च की संज्ञा का चफें, ज की संज्ञा जस, और ये की संज्ञा ये उदाहरण दे दिया मैंने ये हैं, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, ट होता है ना चरेष्ट, कुरुचर है कुरुसुचरती थी, तो यहाँ टय प्रत्यय हुआ है जी, चरेष्टा टय अनुबंध का क्या प्रयोजन है, टिड्ढाणे से गीप हो जाएगा, गीप इससे टित आदमी पता नाम यहाँ नहीं लगेगा, लकार टित होते हैं तब टी भाग को ए होता है, कुरुचरा स्त्रीलिंग में कुरुचरी, गीप होकर के स्थिति चलो कुरुचरी, तो ट
की संज्ञा ठ ड ठस्य का तद्धित में तो ठ को इक हो जाता है, जैसे झ को अंत है ठ को इक हो जाता है, ड ड प्रत्यय होता है सप्तम्याम जनेर ड, तो यहाँ ड प्रत्यय होगा तो अ बचेगा और डिति अभस्यापि ड अनुबंध इसलिए किया जा रहा है कि टी का लोप हो जाए, तो बिना भय संज्ञा के टी कैसे लोप होगा, क्योंकि वो तो डित तो है यहाँ भय संज्ञा नहीं है, भय संज्ञा के अधिकार में टे सूत्र है, तो इसलिए कह दिया कि ये जो अनुबंध लगाया है ना ये टी लोप करवाने के लिए, चलो भय संज्ञा नहीं एकांग विकल है ये, तो भी ड सामर्थ्य से लोप कर देंगे, मतलब ड अनुबंध का और कोई प्रयोजन है नहीं, माने एकांग विकल उसका एक हिस्सा विकल हो रहा है ना उस सूत्र का अर्थ में, पूरा घट नहीं रहा है उसमें, ये कहा है कि भय संज्ञक टी का लोप होता है डित परे रहते, तो भय संज्ञा छूट गई, टी भी मिल गया और डित भी परे मिल गया, सूत्र का जो पूरा अर्थ है उसमें विकलता आ गई ना, कमी रह गई, तो ये ड हो गया, ट ठ ड ण प्रत्यय होते हैं कई सारे ना तद्धित प्रकरण में, अरण्यानो ण प्रत्यय होता है, अरण्य शब्द से ण प्रत्यय कहना चाहिए, अभी ण करेंगे तो इसकी संज्ञा हो जाएगी, ण प्रत्यय करेंगे कुर्वादिभ्यो, कुरु शब्द से ण प्रत्यय करेंगे आदियज को वृद्धि, कोरु और जो है और गुणा और वांतोई प्रत्यय कौरव्य, और इन अनुबंधों में भी बड़ा वो है, एक सीक्वेंस का भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, जैसे मान लीजिए हम अण प्रत्यय करें और ण प्रत्यय करें, अनुबंध तो वही लग गया पर इसी में फर्क हो जाता है, जब अण करेंगे तो टिड्ढाणे गीप होगा, ण करेंगे तो गीप नहीं होगा, फिर अजातष्टाप होगा स्त्रीलिंग में, जैसे ण प्रत्यय किया तो स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो ण प्रत्यंत से तो टाप आएगा और इससे जो है टिड्ढाणे गीप आएगा, इतना अंतर हो जाता है, टिड्ढाणे में अण पड़ा है ना, टिट ढ आण आई ऐसे पढ़ा है, और कामों में कोई अंतर नहीं होगा, नित तो मान ही जाएगा। हाँ नित तो मान लिया, तद्धिते सुचामादे इसमें भी वृद्धि हो जाएगी इसमें भी हो जाएगी, या तो उपधाय वृद्धि है, मान लो ये तद्धित प्रत्यय हैं और मान लीजिए कृत प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं तो फिर आ तो उपधाय अचोणिति की बात आएगी, तद्धित में तो तद्धिते सुचामादे की बात आएगी, ये दोनों वृद्धि भी पा रही हो ना तो तद्धिते सुचामादे होती है, फिर ये नहीं होती है अत उपधाया और अचोणिति नहीं होती है, किसी स्थल में दोनों पा रही हो, जैसे जगत शब्द से तस्येदम अर्थ में अण प्रत्यय किया तो यहां तो उपधाया भी पा रही है और आदि अच को वृद्धि भी पा रही है, तद्धिते सुचामादे आदि अच को वृद्धि भी पा रही है अत उपधाया भी पा रही है, तो अत उपधाया यहां पर नहीं होगी, तद्धिते स्वामादे जहां है वहां ये नहीं होगी, जागत रूप बनेगा, वो तो प्रयोग अनिष्ट हो जाएगा ना, ऐसा भी देख सकते हैं कि नहीं होगा। नहीं वो अपवाद है यूं समझ लो, तद्धिते स्वामादे जो वृद्धि है वो अपवाद है, हाँ वो तो ठीक है पर मतलब ये ना प्राप्ते की तो बात उसकी प्राप्ति में ये आरंभ नहीं है, क्योंकि वो तो उपधा को हो रहा है और वो आदियच को हो रहा है, उनका दोनों का अलग अलग वो है क्षेत्र अलग है, पर एक न्याय चलता है कि सत्यपि संभवे बाधनम भवति, एक न्याय चलता है सत्यपि संभवे, दो कार्यों का संभव होने पर भी बाधन होता है, परिभाषा के रूप में है ये, संभव होने पर भी बाधन हो जाता है,
यहाँ पर जागता में भी तो ऐसी स्थिति बन रही है ना, जैसे मैं यूं कहूं ब्राह्मणेभ्यो दधिदीयताम तक्रम कौंडिन्याय, मैं ऐसा कहूं ब्राह्मणों को दही दे दो और एक कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था उसको तक्र दे दो, तो यहां पर ब्राह्मण सारे ब्राह्मण है, कौंडिन्य भी ब्राह्मण है, हाँ वो भी दही तो खा ही सकता है ना, पर उसको जो है उसको तक्रदान ही मिलेगा, तक्र ही मिलेगा, मतलब ब्राह्मणों को दधि दे दो कौंडिन्य को तक्र दे दो, तो कौंडिन्य को भी दधिदान संभव होते हुए भी तक्रदान दधिदान का बाधक हो जाएगा, तक्रदान दधिदान को बाध लेगा। सत्य भी संभव है बाद न भवती, तो संभव है यहां पर अतुबदाय वृद्धि भी संभव है, फिर भी जो है तदितेश स्वामादे बाद लेगा। तुल्य बलवत तो तदितेश स्वामादे को औपगवा में अवकाश है, अतुबधाया को पाचका में अवकाश है, और जागता में जो है दोनों प्राप्त हो रहे हैं तो उसको वो बाद लेगा, वो अपवाद मानते हैं उसको। एक ज्ञापक भी है इसमें, पुष्कर शादी पुष्कर शद शब्द है एक, और इसको अनुशतिक आदि नाम चय में ई प्रत्यय परे है, ई प्रत्यय परे ई, और अनुशतिक आदि नाम चय उभयपद वृद्धि के लिए अनुशतिक आदि नाम चय गण में पड़ा है इसको। यदि अतुपधाया वृद्धि और तद्धितेश समादे वृद्धि दोनों अपने आप होती रहती तो इसको अनुशतिक आदि गण में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अनुशतिक आदि गण में इसलिए पढ़ा है कि उभय पद वृद्धि हो जाए, ये एक पद है ये एक पद है, और दोनों के को वृद्धि चाहते हैं, इस आकार को वृद्धि चाहते हैं, इस ऊ को भी वृद्धि चाहते हैं। पुष्कर शब्द एक शब्द अस्ति, ये पूर्व पद है ये उत्तर पद है, पुष्कर एक शब्द है सद एक उत्तर पद है, समास हुआ हुआ पद है। पुष्कर में जो रहता है, कमल में जो रहता है, हैं? तो यहां पुष्कर शादी पौष्कर शादी रूप बनेगा इसका, मैंने ये कहा पुष्कर शब्द सबसे ये प्रत्यय किया ना, तो यहां पर मैंने ये कहा कि अनुशतिक आदि नाम से सूत्र में इसको पढ़ा है, गण है एक कि अनुशतिक आदि गण में जितने शब्द पढ़े हैं उनको पूर्व पद उत्तर पद दोनों पदों को वृद्धि हो जाती है, उभय पद वृद्धि है अचुम आदि अच को, जैसे अनुशतिक शब्द है। अब यहां ये तो पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, अण प्रत्यय है यहां अनुशातिकम, तस्मिन गणे एवं विधानी शब्द रूपाणि पठितानि सन्ति यत्र उभयोर पदयो, हाँ इंत्रणित प्रत्यय परे रहते, कित इंत्रणित और कित के परे रहते, तद्धित में इंत्रणित कित परे हो, उभयो पदयो वृद्धिर भविष्यति, समस्त शब्दा सन्ति समस्त रूपेण पठिता सन्ति तत्र उभयोरपि पदयो आदि वृद्धिरस्ति, दोनों पदों के आदि अच को वृद्धि होती है, ये आदि अच है ये भी आदि अच है, सौत्र नाड़ी बन जाएगा। हाँ जी दोनों शब्द ही अनुशतिक आदि नाम गण में पड़े होने चाहिए, नहीं वो एक शब्द पड़ा होता है समस्त पद होता है, उसमें दो पदों का एक पद मिला करके पढ़ते हैं, जिसमें हम वृद्धि करें दोनों पदों में वो दोनों मतलब अनुशतिक आदि गण में ऐसे ही शब्द पड़े हैं जो समास हुए हुए ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पूर्व पद और उत्तर पद को वृद्धि करनी होती है, उस गण में ऐसे ही शब्द पड़े हैं जिनमें पूर्व पद और उत्तर पद को वृद्धि होती है। हाँ जी तो पौष्कर शादी समझ में आया, पुष्कर शद शब्द है तो उसको अतोपधाया वृद्धि भी पाती है, तद्धितेश स्वचामादे आदियच को वृद्धि, तो अतुपधाया अपनी जगह होती रहेगी और तद्धितेश स्वचामादे अपनी जगह होता रहेगा,
तो उसमें अनुसतिक आदि गण में पाठ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी किया है। तो इसका मतलब आचार्य ये देखते हैं जहां तद्धिते सुचामादे होती है वहां तुपदाय नहीं होता है, ऐसा देख रहे हैं आचार्य। नहीं, कई प्रयोजन होते हैं, एक एक अनुबंध के कई कई प्रयोजन भी होते हैं। जैसे ई वगैरह होते हैं ना, तो तद्धिते सुचामादे भी होता है और इनित्यादि नित्यम भी होता है, एक एक अनुबंध का कई प्रयोजन। जैसे गुण निषेध भी हो गया, संप्रसारण भी हो गया, कहीं कित हो रहा है ना, तो कहीं गुण निषेध भी हो जाता है और कित होने से संप्रसारण भी हो जाता है और गुण निषेध भी हो जाता है, और कहीं विशेषणार्थ भी हो रहा है वो और भी लाभ दे रहा है। जैसे घसी घस का गकार है वो गुण करने के लिए भी है और कुछ विशेषित करने के लिए भी हो सकता है, तो ऐसे हो जाता है। तो अगला सूत्र क्या है? चुटु लशक्व तद्धिते। उदाहरण कोई आपको ना आ रहे हो तो मेरे से पूछ लेना। लशक्व तद्धिते अन्नान्न, अन्न शब्द से ण प्रत्यय हो रहा है ना, तो ण तो होने से ये हो गया तद्धिते सुचामादे। अन्नम लब्धा, लब्धार्थ है ना, अन्न को जो प्राप्त करने वाला है वो अन्न कहलाता है। अब ण प्रत्यय कर दिया तो अन्न बन गया, यदि अण करते ना यहाँ पर तो फिर टिड्डाणे स्त्रीलिंग में गीप होता। अब जो है अन्नम लब्धा कोई बालिका है तो अन्ना बनेगा, अन्नम लब्ध है अन्न कश्चित बालक है, बालिका हो गई तो अन्ना, और स्त्रीलिंग यदि प्रत्यय भेद हो जाता तो अन्नी बालिका बनता, फिर अन्नी ब्राह्मणी बनता। अन्नम लब्धा अन्न ब्राह्मण है। चुटु ट ठ ड ढ ण, ये जो ढ प्रत्यय है ना इनको तो आदेश हो जाते हैं, इसलिए संज्ञा की जरूरत नहीं है वहां। फड़ खच घाम प्रत्यादि नाम आय नहीं नी या फड़ खच घाम प्रत्यादि नाम, जिनको आदेश हो जाते हैं उसकी संज्ञा नहीं होती है। जैसे लट आदि हैं, लशक को तो द्वितीय अगला ही सूत्र है। ल श कु ये समाहार द्वंद एक एक, लश्च शश्च कुश्च इति ठीक है। लशकु अतद्धिते, लकार शकार और कवर्ग है, लकार शकार और कवर्ग जो है इसकी प्रत्यय के आदि में इत्संज्ञा होती है। अब लट आदि में किसी की इत्संज्ञा नहीं होती है, लट लिट आदि है ना ये, तो इनमें ल की इत्संज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लस से तिप्त जी ल के स्थान में आदेश कहे हैं, इसलिए इनकी इत्संज्ञा नहीं होती है। हाँ, हाँ लुट की तो हो जाएगी, लुट की ल की इत्संज्ञा हो जाएगी, लुट में लकार है, लिति प्रत्यात पूर्व उदात्तम भवति, लित प्रत्यय में प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होता है। जैसे कर्णम है तो किसको उदात्त करोगे? अन प्रत्यय है ना, अन अन प्रत्यय है अन, तो प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो गया, ये प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हो गया और फिर ये अनुदात्त हो जाता है, और इसको फिर स्वरित और इसको एक श्रुति, उदात्ता अनुदात्त स्वरिता, स्वरिता संहिताम अनुदात्ता नाम। तो लकार लकार शकार कवर्ग, शकार का उदाहरण तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, शप श्यन श श्नु श्ना शानच, यम वर्ण नाम आदेशो भवति तम
लकार के स्थान में आदेश किए ना आचार्य ने, तो पहले विचार करेंगे बुद्धि से तो फिर उसको बचा लेंगे। इत्संजय तो प्राप्त है लेकिन वो आगे आदेश कर रहे हैं तो इसलिए नहीं होगा। यदि इत्संजय हो जाए तो चला जाएगा तो बचेगा नहीं तो फिर लस से तिप्तस जी ये आदेश जो कहे हैं वो व्यर्थी भविष्यन्ति। लकार शकार कवर्ग, कवर्ग क ख ग घ ङ ले के स्थान में आदेश हो रहा है तो वो क्या है, वो एक प्रकार का अपवाद हो गया कि ले की संज्ञा नहीं होगी। लादेश विधान जैसे सामान्य रूप से तो कहा अट कुपवांग पूर्व पदार्थ संज्ञा है मगा, जैसे न को ण प्राप्त है ना, पूर्व पद में स्थित रेप से उत्तर अटकुपू के व्यवधान में न को ण हो जाता है, पूर्व पद में रह है ना ये सर्व में, और संज्ञा जानी जा रही हो तो न को ण हो जाता है, पर सर्वादिनी सर्वनामानी सूत्र पढ़ दिया है न को ण नहीं किया है, इसका आचार्य का क्या अभिप्राय जाना जा रहा है यहाँ कि यहाँ पर नहीं चाहते हैं। यदि आचार्य चाहते होते तो अपने ही सूत्र को क्यों यहाँ तोड़ते, अपना ही बनाया हुआ सूत्र है उनका पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा, तो उस नियम को यहाँ क्यों, मतलब ऐसे तो है नहीं कि भूल गए सर्वनाम शब्द जब बोलने लगे तो भूल गए, सूत्र याद नहीं रहा पूर्व पदार्थ संज्ञा है मगा। दो सूत्र काम कर रहे वहाँ पर ई प्रतिषेध परम कार्य हम लगा दिया, उसी तरह कुछ सूत्र बना देते कि जहाँ लस के स्थान पे चित्त जी करेंगे वहाँ इस संज्ञा नहीं होगी, इस तरह से बना देते। वो बना क्या देते, अब पता ही लग रहा है हमारे को। तो देखिए कख कै का उदाहरण है, जैसे तद्धित में इसमें कहा है लकारष्कार कवर्ग और इनकी संज्ञा होती है अतद्धिते, तद्धित में कै आएगा तो इत्संज्ञा नहीं होगी, पर जैसे तृतीय अध्याय में कै आएगा तो इत्संज्ञा हो जाएगी, तीसरे अध्याय में इगुप्त ज्या प्रीकरा क्षिप धातु से जैसे कै प्रत्यय कर दिया, पुगंत लघु दस से गुण नहीं होगा, क्षिप विक्षिप है विद सुविदह, विद धातु से विदह, ख तीसरे अध्याय में कोई ख प्रत्यय है, खल खच, खल और खच प्रत्यय होते हैं ना, खची रस्वा विशेषणार्थ है चकार तो खची रस्वा के लिए है, क ख ग ग आदि वाला प्रत्यय है कोई, गस्नो ये जो ग्लाजिस्थश्च, यदि ऐसा है तो खरीचे से गय को कह हो रहा है यूं समझ लिया करो हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ऐसा है ग्लाजिस्थश्च गस्नो, तो ये वैसे तो गस्नो सुना है मैंने, तो ग्लाजिस्थश्च गस्नो ये वाला है, कोई बात नहीं, यदि ये वाला है तो खरीचे लग गया है और नहीं है तो भाई उसको वैसा ही पढ़ दिया है स्वरूप बताने के लिए, उसको स्वरूप बोध के लिए संधि कार्य नहीं किया है, हैं? गकार है मूल में गकार है, यदि आप ककार सुनाई दे रहा है तो सांघितिक है, सांघितिक बोलते हैं इसको, संगीता में हुआ ठीक है। तो क ख ग घ घ प्रत्यय है, जैसे घ प्रत्यय है, ग का जैसे घस है ना, गीप है, गीस है, गीन है, अतद्धिते तद्धित को छोड़कर, तद्धित में क ख ग आदि आएंगे तो इत संज्ञा नहीं होगी।
सारों के साथ है, लकार शकार कवर्ग एक समस्त पद है ना, समस्त पद है अतद्धिते तद्धितम वर्जयित्वा है। हाँ लकार शकार कवर्ग की संज्ञा होती है अतद्धिते तद्धित को छोड़कर ना, केवल न विभक्तो तुष्मा का अनित्यत्व ज्ञापित है, वो भी थोड़े स्थल है ना, अनित्य जो है ज्यादा नहीं है, जैसे इटोवत है किमोवत है, इटोवत इट के स्थान में आत होता है, तो इस तरह की संज्ञा हो ही जाती है, न विभक्तो तुष्मा नहीं लगता है, किमोवत में अत प्रत्यय होता है उस तय की संज्ञा हो जाती है। कोई और उदाहरण आपको समझ में न आ रहा हो तो पूछ सकते हो। तस्य लोपा, तस्य का मतलब है जिसकी संज्ञा की है उसका, तस्य माने उसका लोप होता है, किसका जिसकी संज्ञा कर दी गई है, हैं? तस्य जो होता है सर्वनाम, ऊपर जो प्रकरण प्राप्त होता है उसका संकेतक होता है, स नपुंसकम वह नपुंसक होता है जिसको एकवद भाव किया गया है, तस्य हेतु अविद्या उसका हेतु अविद्या है, किसका ऊपर ऊपर जो चल रहा है, क्या चल रहा है संयोग है, स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है, तस्य हेतु अविद्या तद अभावत संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम, तद अभावत किम अभावत, नहीं नहीं सन्निहित पूर्व में जो आता है ना उसका संकेतक होता है, ऐसे जानो इसको, सन्निहित पूर्व को देखा करो, जैसे तद अभावात वहां तो तस्य का अर्थ संयोग है, तस्य हेतु अविद्या में तो तस्य का मतलब संयोग का हेतु अविद्या, तद अभावात इसमें अविद्या के अभाव होने से, इससे इसके नीचे सूत्र है ना ये, अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव होता है, हानम तत् दृशे कैवल्यम, योग प्रमाणे से तद अभावे किम अभावे, हाँ योग प्रमाणे से तद अभावे, योग के अभाव होने पर तद अभावे अप्रमाणम स्यात्, तद शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, तत् किम लुपियुक्त व्यक्तिवचने तद अशिष्यम तस्यादित उदात्तमर्धरस्वम तस्य स्वरितस्य, ऐसा लेते हैं, यस्मात् प्रत्यय विधि सूत्र है प्रसिद्ध उदाहरण, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, यस्मात् से जिसका संकेत है, दो बातें हैं ये, जहां यस्मात् नहीं पढ़ा है वहां तो तत् जो है सन्निहित पूर्व का संकेतक होता है, और जहां यस्मात् पढ़ दिया तो यस्मात् से जिसका संकेत करते हैं तत् से उसका ग्रहण, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि में तत् के द्वारा यस्मात् से निर्दिष्ट का ग्रहण होगा, एन विधि तदंतस्य येन के द्वारा जिसका संकेत तदंतस्य में तत् के द्वारा उसी का ग्रहण होगा, एन विधि तदंतस्य, ठीक है, एन विधि तदंतस्य किमंतस्य विशेषणान्तस्य, येन विधि तदंतस्य विशेषणान्तस्य ग्रहणं भवति, तस्य लोपा, आगे सूत्र बोलिए, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम, संख्याम अनतिक्रम यथा संख्यम, संख्याम अनतिक्रम इति, हाँ पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यहां पर यथा अव्य आया है, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र में अर्थ निर्देश किए हैं उनमें यथा अर्थ में जो अव्य, यथा अर्थ में यथा अव्य है, तो यथा के क्या अर्थ होते हैं, तो उनमें एक अर्थ पदार्थ अनतिवृत्ति भी होता है, उस अर्थ में जो अव्यय यथा अव्यय आया है
समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अर्थाभाव असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, यथा अर्थ में जो अव्यय, यथा के कितने अर्थ होते हैं? चार अर्थ होते हैं, योग्यता, विपसा, पदार्थ, अनतिवृत्ति, सादृश्य, ये चार अर्थ होते हैं। इन अर्थों में यथा शब्द यहां पर आया हुआ है, अनतिवृत्ति अर्थ में, पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में यथा अव्यय आया है। कोई दूसरा भी आ सकता है, हैं? योग्यता अर्थ में, विपसा अर्थ में, पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में, सादृश्य अर्थ में जो अव्यय उसका समास होता है। अनतिवृत्ति होता है अतिवृत्ति माने अतिक्रमण करना, अनतिवृत्ति माने उसका अतिक्रमण न करना, संख्या का अतिक्रमण न करना। संख्या का मतलब क्रम है, संख्या शब्देन क्रमो लक्ष्यते, संख्या का अर्थ यहां पर क्रम है। तो अर्थ हो गया यथा संख्या अनुदेश समानाम, समानाम सम संख्या नाम, समानाम का अर्थ हो गया समानाम सम संख्या नाम उद्देशी नाम अनुदेशी नाम च। सम संख्या क्या है? उद्देशी और अनुदेशी। उद्देशी अनुदेशी क्या होते हैं? पूर्व उच्चारित उद्देशी होते हैं, पश्चात उच्चारित अनुदेशी होते हैं। सम संख्या नाम उद्देशी नाम अनुदेशी नाम च यथा संख्यम यथाक्रमम उद्देशी भी अनुदेशी ना संबध्यन्ते। यथाक्रम जो है उद्देशियों के साथ अनुदेशी संबंधित होते हैं। समानाम सम संख्या नाम उद्देशी नाम अनुदेशी नाम, जो प्रथम निर्दिष्ट है वो उद्देशी है, पश्चात निर्दिष्ट अनुदेशी है। जैसे यू और नाकों में यू उद्देशी होंगे, अनक अनुदेशी होंगे। प्रकृति प्रत्यय का जहां संदर्भ है, तू दी सलातुर वरमती कूचवारा ढक्षण ढय का, तो जो प्रकृति के रूप में निर्दिष्ट है वो उद्देशी है, प्रत्यय के रूप में निर्दिष्ट है वो अनुदेशी है। आदेश स्थल में स्थानीय, आदेश स्थल में स्थानीय उद्देशी होगा, आदेश उद्देशी होगा। और प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय के संदर्भ में प्रकृति उद्देशी, प्रत्यय अनुदेशी। तो सम संख्या वाले उद्देशी अनुदेशी होने पर यथाक्रमम उद्देशी भी अनुदेशी ना संबध्यन्ते। यथाक्रम उद्देशी के साथ अनुदेशी का संबंध होता है, है? सम संख्या वाले जैसे यू और ना को सम संख्या है, उद्देशी अनुदेशी की सम संख्या है ना, यू भी दो हैं, अनक भी दो हैं, दो है ना, तो क्रम से संबंधित हो जाएंगे। उद्देशी के साथ अनुदेशी क्रम से संबंधित हो जाएंगे। इक्वेंटी में तो नहीं लगेगा ये सूत्र, आप लोग बताइए क्यों नहीं लगेगा इकोणची में? यथा संख्या अनुदेश समानाम इकोणची में तो ई ऊ रिल री है, और ये चार कहाँ है? ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, ये भी तो होते हैं। ये भी तो हैं, हैं? और यण जो है ये और ये वह 66 है, ये है 7, तो यथासंख्य कैसे हो सकते हैं ना? ये 66 है ना, 18 और 12 कितने हो गए? 18 3 54 66 हैं वो तो, और ये 7 हैं, 66 के स्थान में 7 बिठाने, स्थानांतर तमा ही लगेगा ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। यथा संख्या अनुदेशा समानाम नहीं लगेगा, मैं ये कह रहा था स्थानांतर तमा लगेगा यहाँ, ठीक है। और तस थस थमी पाम ताम तम तामा में भी यही लगाते हैं स्थानांतर तमा, इसका कारण क्या है बताइए जी? तस थस
हैं नहीं, वो तो ठीक है स्थानांतरतमा से निर्णय करते हैं, पर यहाँ पर जो है यथासंख क्यों नहीं लगाते हैं? यथासंख से नहीं करते हैं व्यवस्था, स्थानांतरतमा से व्यवस्था करते हैं। ताम तम त अम तस थस थमीपाम ताम तम त अम, पहले ही देखेगा ना लोक में उदाहरण को देख करके देखेंगे कि अपचताम जैसे प्रयोग है ना, उसमें हमने ताम का दो अर्थ देखे हैं, तो प्रक्रिया दशा में जो पच धातु से तस प्रत्यय परे रखा है ये भी द्व्यर्थक है, ऐसे हम वो करेंगे। द्विवचन संज्ञा तो है ही इसकी, हाँ तस की, हाँ तो हो गया स्वरितेन अधिकारा, स्वरित से अधिकार की अवगति होती है। ये एक तो तीन अर्थ किए ना इसके, एक तो अधिकाकार अधिकार है, अधिकम कार्यम अधिकार है, अधिकाकार अधिकार है, अधिकम कार्यम, और स्वरितेन अधिकार है। स्वरित को देख करके अधिकार का बोध होता है। ये सूत्र यहां भी बता रहा है जैसे कि गोस्त्री और उपसर्जन से यहां स्वरित है, स्त्री जो है स्वरित है, तो स्त्री स्वरित है तो यहां पर स्त्रियाम अधिकारे ये प्रत्यावीता ते अत्र ग्रियन्ते। एक तो स्वरित के द्वारा अधिकार का बोध होता है, जैसे प्रत्यापरश्च है, ज्ञाप प्रातिपदिकात है, धातु है, पदस्य है, पदात है, तो ये जो है ये अधिक स्वरित को देख करके इनका अधिकारत्व हम जान लेते हैं। और अष्टाध्यायी में जितनी भी अनुवृत्तियां चलती हैं इसी से तो निर्धारित होती हैं। पाणिनि ने इनको जिन जिन की अनुवृत्ति आगे ले गए हैं उन पदों को स्वरित किया है। ये तो मोटा मोटा हम बता देते हैं, जैसे मोटा मोटा प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनि, हाँ प्रतिज्ञा ऐसे हुई कि उन्होंने स्वरित किया, अपने शिष्यों को पढ़ाया, बताया उन्होंने, वो है प्रतिज्ञा, पाणिनि की प्रतिज्ञा से स्वरित। और आज जो मैं बताऊंगा वो तो पाणिनि की तो प्रतिज्ञा बता रहा हूँ। स्वरित से हम अधिकार का बोध करेंगे, और वो ये सारी अष्टाध्यायी की अनुवृत्तियां जो है स्वरित के आधार पर ही तो ले जाते हैं आगे कि आचार्य ने इसको स्वरित किया इसलिए इसकी अनुवृत्ति जा रही है। कहां तक जा रही है ये नहीं पता चलता इससे, स्वरितेन अधिकारा सूत्र से ये पता नहीं चलेगा कि किसी पद की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है, बस अनुवृत्ति जा रही है इतना पता लगेगा। वो तो धातु के साथ में है ना, धातुएं हैं उनमें जैसे पच धातु है ये स्वरितेत है तो इसके आधार पर हम स्वरितता सूत्र लगाएंगे, और जैसे एद धातु है तो ये अनुदातेत है, ये स्वरितेत है ऐसा है ये, और ये जो है अनुदातेत है तो इससे अनुदात की आत्मनि पदम लगाएंगे। अधिकार का मतलब एक तो अधिकार सूत्र होते हैं, सात प्रकार के सूत्रों में अधिकार सूत्र होते हैं। स्वरितेन अधिकारा केवल उनकी बात नहीं कर रहा है, स्वरितेन अधिकारा जो भी अनुवृत्तियां चल रही हैं उन सब की बात कर रहा है। मोटे रूप से हम कह देते हैं कि भाई ये अंगस्य है, यहाँ प्रातिपदिकात है, स्त्रियाम है, इन इनकी मोटे रूप से बोल देते हैं, उसकी प्रसिद्ध करके दे देते हैं। बाकी ये स्वरितेन अधिकारा केवल उनके लिए नहीं है जो कि अधिकार लंबे लंबे जाते हैं, अधिकार सूत्र जो होते हैं, एक अधिकार सूत्र होते हैं ना सात प्रकार के सूत्रों में, उन्हीं की बात नहीं करता ये, जो भी अनुवृत्तियां चलती हैं उन सब की बात कर रहा है ये, चाहे दो सूत्रों में जाए चाहे एक में ही जाए। नहीं, ये पाणिनि ने ऐसा कहीं संकेत नहीं दिया है कि इसकी अनुवृत्ति वहां तक जाएगी, इसकी अनुवृत्ति वहां तक जाएगी, वो तो हम अर्थ करने वाले जो लोग हैं उदाहरणों के देख करके उन सूत्रों के जो अर्थ करते हैं ना उनसे हम निर्धारित कर लेते हैं कि इसकी अनुवृत्ति यहाँ तक आ रही है आगे नहीं जा रही है। निश्चित कर दिया कि इसकी अनुवृत्ति जाएगी, हाँ ये निश्चित कर दिया कि इसकी अनुवृत्ति जाएगी।
अब कहां तक जाएगी उदाहरणों को देख करके हम निर्धारित कर लेते हैं। तो उसमें हम जो है केवल इतना जानते हैं स्वरितेन अधिकारा से, तो वो दो वाक्य जो आपको सुनने में आते हैं ना, प्रतिज्ञा स्वरिता पाणिनिया, इसका क्या अर्थ है? पाणिनि के जो शिष्य है ना, उनको पाणिनिया कहते हैं। प्रतिज्ञा स्वरितत्वम येषाम, ये भाव प्रधान निर्देश मानेंगे स्वरित में। प्रतिज्ञा के द्वारा स्वरितत्व है जिनका, और एक दूसरा शब्द ये भी बोला जाता है प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः।